हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल। और हमारी इंटर की एग्जाम आ रही है नजदीक। हमारे ऑडिट के रिवीजन सीरीज में इसीलिए हम डिस्कस करने वाले हैं छोटू सा चैप्टर ऑडिट सैम्पलिंग ओनली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। भाई ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है, ऑडिट के अंदर में ना उससे शुरू करते हैं सबसे पहले। तो सैम्पलिंग क्या होता है ये चालू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि पहले के जमाने में ऑडिट कैसे हुआ करती थी। द ट्रेडिशनल अप्रोच, ये बड़ी वेस्टफुल अप्रोच थी क्योंकि इसके अंदर में हम लोग बहुत ज्यादा गहराई में जाके एक एक ट्रांजैक्शन को एक एक बिल से मिलाकर तिकड़े मारते थे। इसमें समय भी ज्यादा लगता था, खर्चा भी ज्यादा लगता था। रूटीन चेकिंग आज के टाइम पे अब इतनी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स बहुत आ गए हैं, तो फ्रॉड और एरर एक्चुअली पहले से काफी कम हो चुके हैं। ये चेंज काफी प्रोग्रेसिव और अच्छा है क्योंकि आज के टाइम पे अब ऑडिटर्स जब ऑडिट करने जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि 4,000 को 3,000 लिखा है कि नहीं। वो जानबूझकर फोकस करते हैं क्वेश्चंस ऑफ प्रिंसिपल पर और इंटरनल कंट्रोल्स पर, क्योंकि जब कैमरा है, आईडी पासवर्ड है, बॉस है और रूल्स हैं, तो वो अपने आप ही गड़बड़ कम हो जाएगी, अपने आप ही रूटीन चेकिंग करने की नीड कम फील होगी। तो भैया फिर इसीलिए हम लोग मूव कर गए सारी चीजों को चेक करने से अच्छा थोड़ी कम चीजें चेक करने के बारे में। क्यों सैम्पलिंग करना चाहिए? क्योंकि भैया 100% ट्रांजैक्शन चेक करने के बाद भी आप गारंटी से एब्सोल्यूट सेटिस्फैक्शन से तो नहीं बोल पाएंगे ना कि सारी गड़बड़ मिल गई है मुझे। कितना भी चेक कर लो बाबू, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो छूटेगा ही। बहुत सारा चेकिंग करके एब्सोल्यूट सेटिस्फैक्शन नहीं आता, और काफी कम चेकिंग करके, कम खर्चा, कम समय में ऑडिट करके भी अच्छा सेटिस्फैक्शन अगर मिल जाए तो हमें ये ऑप्शन पर जाना चाहिए। और वैसे भी मैथ्स ने प्रूव किया है भैया, अगर सैंपल आप रैंडमली पिक करेंगे तो ऐसा मान लीजिए कि अगर आप पूरी पॉपुलेशन पे सारे के सारे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने वाले हैं या एक सैंपल पर अच्छे से प्रोसीजर्स लगाने वाले हैं, सेम टू सेम रिजल्ट आएगा। ऑब्वियसली गारंटी नहीं है, सैम्पलिंग रिस्क तो एग्जिस्ट करेगा ही। इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज इस टोटल लेक्चर में कवर कर लेंगे। चलिए मीनिंग देखते हैं पहले सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग का मतलब है ऑडिट प्रोसीजर लगाना 100% से भी कम आइटम्स पर। पूरा का पूरा चेकिंग करो तो पॉपुलेशन कवर हो जाता है, बट अगर उसमें से चुनिंदा चीजों को चुनकर और फिर उस पर आप अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे तो वो सैंपल हो जाता है। इस प्रकार से अपना सैंपल चुनिए कि हर एक आइटम को सिलेक्ट होने का चांस मिले, और फिर उसके बाद में आप पूरी पॉपुलेशन पर कमेंट पास करें। डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं, ऑडिटर भले ही 100 बिल में से 10 बिल चेक करे, पर लास्ट में जब वो अपना ओपिनियन देगा तो वो पूरे 100 बिल पर ही देना है उसे। तो सोच समझ कर प्यारे जितना हो सके सैंपल साइज बड़ा सिलेक्ट करिए। पॉपुलेशन क्या होता है? पूरा डेटा। सैंपल यहाँ से सिलेक्ट होता है, कंक्लूजन भी इसी पर हम देते हैं। मतलब कंक्लूजन देते टाइम आप ये नहीं बोल सकते, ओ सॉरी सर, हम तो ऑडिटर, हमने तो 5 ही बिल चेक किए थे, तो हम पूरे बिल्स पर अपना कमेंट कैसे पास करें? क्योंकि कमेंट पास करते वक्त और अपना फैसला सुनाते वक्त आपको पूरी पॉपुलेशन पर सुनाना पड़ता है। पॉपुलेशन कैसी हो अप्रोप्रिएट चुनिए, पूरी की पूरी चुनिए, और रिलायबल भरोसेमंद डेटा सिलेक्ट करिएगा। अगर मैं परचेज के बारे में चेकिंग करना चाहती हूँ तो परचेज, क्रेडिटर्स, गुड्स, इन सब चीजों पर ही मुझे फोकस करना पड़ेगा। पूरा का पूरा डेटा देखना पड़ेगा और वो रिलायबल, यानी उसका डेटा भी सही होना चाहिए। यहाँ पे सैम्पलिंग करने के आपके पास में दो अप्रोच होती है। एक को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच, एक को नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल प्योरली रैंडम होती है, मतलब उसमें हम अपना जानबूझकर कोई बायस नहीं लगाते। प्रोबेबिलिटी थ्योरी को इसे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में इंसान का बायस नहीं होता, ना उसका पर्सनल एक्सपीरियंस यूज होता है, तो उस केस में ये ज्यादा साइंटिफिक है और ये तब लगानी चाहिए हमें जब बहुत सारे एक जैसे आइटम्स हो। नॉन स्टैटिस्टिकल तो एक्चुअली कैसा होता है, आपने अपनी पसंद से चुन लिया कि भाई मुझे जनवरी महीना पसंद है, या फिर मुझे दिसंबर महीना पसंद है, या फिर मुझे नवंबर महीना पसंद है। तो जो महीना आपको पसंद है, जो डेट आपको पसंद है, उसकी बिल आपने सेलेक्ट कर लिया। तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज पर ये डिपेंड करेगा। ये सिंपल है क्योंकि इसके अंदर में कोई तरीका, कोई ड्रम, कोई रैंडम नंबर टेबल से नहीं सिलेक्ट करना पड़ता सैंपल, इसीलिए इसमें बहुत फटाफट सिलेक्शन हो जाता है। और इसमें आप बस जानबूझकर कोशिश करें ऑडिटर साहिबा कि आप लोग कोई भी जानबूझकर एक पैटर्न ना दे दे सामने वाले को, पता ना चल जाए कि अब आप अगला नंबर क्या सिलेक्ट करने वाले हैं या अगला आइटम कौन सा सिलेक्ट करने वाले हैं। कितना भी बोल लो ये थोड़ा कम ही ऑब्जेक्टिव होता है,
क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं होता है, और कितना भी बोल लो नॉन स्टैटिस्टिकल में बायस थोड़ा ज्यादा ही होता है, क्योंकि कोई भी आदमी कितना भी स्मार्ट हो थोड़ा बहुत बायसनेस तो उसमें आ ही जाता है। अब अप्रोच में कौन सी चुनू, शुड आई टेक स्टैटिस्टिकल अप्रोच और शुड आई टेक नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच, कहते हैं तुम्हारी मर्जी। अच्छा मैं कहूं मेरी सैंपल साइज बहुत बड़ी है तो, या बहुत छोटी है तो भैया सैंपल साइज से फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पर। फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक सैंपल साइज डज नॉट मैटर एट ऑल, क्योंकि वो एक क्राइटेरिया ही नहीं है। ऐसा ये लोग करेक्ट इनकरेक्ट में खूब ज्यादा पूछते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। ओके, पार्ट चेकिंग, कितना पार्ट चेक करना है, हाउ बिग द सैंपल शुड बी, कैसे मैं चेक करूं, कितना एरिया मैं सिलेक्ट करूं, एवरी थिंग इज ऑडिटर्स जजमेंट। देखिए कोशिश ऐसे करिए कि आप वो स्टैंडर्ड्स और टेक्निक्स चूज करें जो दुनिया भर में फॉलो हो रही है, इससे आप एक प्रोफेशनल ओपिनियन पे पहुंच पाएंगे और एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ वर्क आपने किया है वो पता चल पाएगा। हालांकि जरूरी नहीं है आपके लिए कि आप भी सैंपल यूज करें, इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी। स्टैटिस्टिकल थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक पे बेस्ड होता है, तो कोशिश करें कि आप स्टैटिस्टिकल लें क्योंकि उस पर ज्यादा भरोसा होगा कंपेयर टू कोई भी ऐसा चालू फिंगर टेक्निक जो आपने अपने हिसाब से बनाया। ओके, अब हम ऑलरेडी स्टैटिस्टिकल की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो उसके प्रॉपर एडवांटेजेस देख ही लेते हैं। क्या फायदा है आज के टाइम पे अगर मैं एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ ऑडिट यूज करती हूँ तो, मतलब मैंने साइंटिफिक और मैंने प्रोबेबिलिटी थ्योरी और रैंडम थ्योरी के बेसिस पर एक स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज किया है, तो उससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका ये लगता है कि भैया इसमें रिस्क कैलकुलेट हो सकता है। तो अगर आप एक सैंपल साइज देंगे तो वो आपको रिस्क कैलकुलेट करके दे देगा, और अगर एक रिस्क देंगे तो आपका सैंपल साइज कितना होना चाहिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर, आप 100 में से कितनी चीजें चेक करें ये खुद आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके डिराइव करके देगा। तो दीस टू पॉइंट्स कैन बी एक्चुअली लर्न टुगेदर। अब क्योंकि इसमें आपने अपना पर्सनल बायस तो यूज ही नहीं किया जनाब, तो ये बड़ा ऑब्जेक्टिव है। आप इसे जाकर डिफेंड कर पाएंगे, आप लोगों को बोल पाएंगे कि भैया हम तो कंप्लीटली डिफेंड करते हैं इस चीज को, हम बिल्कुल भी चीटिंग नहीं किए हैं। साइज ऑफ द एरिया से सैंपल साइज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब अगर आपका पॉपुलेशन बढ़ गया, पहले 100 आइटम्स में से आप 10 आइटम चेक कर रहे थे, अब आपके 110 आइटम्स हो गए, तो जरूरी नहीं है कि आपको 11 आइटम चेक करने पड़ेंगे, योर सैंपल साइज कैन रिमेन सेम। ये भी फायदे की बातें हैं। ओके, बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज मास देन कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ ऑल डेटा। यार ये मैं सारा कुछ चेक करूंगी तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा, और मैं वो भी नहीं, जरूरी भी नहीं है कि मैं सारी की सारी गड़बड़ सारा चेक करके निकाल सकूं। जैसा अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, इवन आफ्टर चेकिंग ऑल द डेटा डू आई गेट एब्सोल्यूट सैटिस्फैक्शन, नो आई डू नॉट। देन इतना कम चेक करके अगर मुझे बहुत ही अच्छा सैटिस्फैक्शन आ रहा है, आई शुड गो फॉर इट। अब सिंपल सी बात है, क्लेरिकल मिस्टेक बहुत ज्यादा नहीं होगी सैम्पलिंग में, क्योंकि जब मैं 100% चेक करूंगी तो एक इंसान है जो 100% चेक कर, तो 100% चेकिंग में एक इंसान की ज्यादा गलतियां, 10% चेकिंग में एक इंसान की कम गलतियां, इंसान की गलतियां हैं वो तो कम हो ही जाएंगी। ये सारे मैंने आपको फायदे बता दिए, किसके ये फायदे हैं आपके स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के एडवांटेजेस। ओके, अब बात करते हैं जब भी आप ऑडिट करेंगे आपको दो प्रकार का रिस्क महसूस होगा, एक रिस्क जो सैंपल इस्तेमाल करने की वजह से आया, और एक रिस्क बेटा तो पूरा चेकिंग कर ले या तो आधा चेकिंग कर ले ये तो रहेगा। सो सैंपलिंग रिस्क इज द रिस्क जो क्यों आया है, क्योंकि आपने सैंपल यूज किया। तो ये क्या कहता है कि अगर ऑडिटर का जो कंक्लूजन सैंपल के बेसिस पे आया है वो अलग होता, और अगर ऑडिटर सेम ऑडिट प्रोसीजर ना पूरे पॉपुलेशन पे लगाता तो उसका अलग कंक्लूजन आता, तो ये सैंपलिंग रिस्क है। क्योंकि ये गड़बड़ क्यों हुई, क्योंकि मैंने सैंपल चूज किया, सैंपल नहीं करती सारा ही कुछ चेक करती फिर भी वो गड़बड़ाती, सैंपल यूज किया सारा कुछ नहीं चेक किया फिर भी वो गड़बड़ाया, तो दैट रिस्क इज नॉन सैंपलिंग, उसका सैंपल से कोई लेना देना नहीं है। ये रिस्क तो ये है कि ऑडिटर तो भैया गलत कंक्लूजन पर पहुंचेगा ही, और वो सैंपल चूज किया इस वजह से नहीं, ऑडिटर की ही गलती है। तो दोनों के टाइप देख लेते हैं, मैं पहले नॉन सैंपलिंग पढ़ा करके आपको खत्म करती हूँ क्योंकि बहुत आसान है। यार देखो इंसान की गलती है ना, वो तो 100% चेकिंग पे भी आ सकती है, 10% चेकिंग पे भी आ सकती है, गलती तो सैंपलिंग की थी ही नहीं, जिसने रिजल्ट इंटरप्रेट किया उसके इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है। वो सब छोड़ो, जो इन्फॉर्मेशन यूज किया ना वो इन्फॉर्मेशन ही एरोनियस निकला, और हमने प्रोसीजर ही गलत चुना। क्या 100% चेकिंग और क्या 20% चेकिंग, गलती तो गलती ही थी।
सो ये सब गलतियां कौन सी है, ये सब वो गलतियां हैं जो सैंपल की वजह से नहीं आई है, ये इसलिए आई है गलतियां क्योंकि इंसान ही गलत है, जिसने चेक किया वही गलत है या तरीका ही गलत है, इसमें सैंपल को ब्लेम ना करिए। अब आते हैं वो गलती जिसमें सैंपल को ब्लेम करेंगे, क्योंकि यदि मैंने पूरा पॉपुलेशन चेक किया होता, 100 के 100 बिल चेक किए होते तो मैं गलती नहीं करती, क्योंकि मैंने 10 बिल चेक किए और वो 10 बिल सिलेक्ट होने में गड़बड़ होती। अभी कैसी गड़बड़ होगी, कैसी गड़बड़ होगी कि या तो सारे गलत बिल वो टॉप 10 में आ गए, या तो सारे गलत बिल, एक भी गलत बिल आया ही नहीं 10 के अंदर, तो मैं हमेशा गलत कंक्लूजन पर पहुंचूंगी। तो इसमें दो प्रकार के एरेनियस कंक्लूजन है, पूरा का पूरा अटेंशन यहाँ लगाएंगे, बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है। मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया है, एक पार्ट जो सच है और एक पार्ट जो ऑडिटर को लगता है। सी, इस पूरे में गलत फहमी हो रही है, सैंपल यूज करने से ऑडिटर को गलत लगा है। इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर को क्या लग रहा है कि कंट्रोल बहुत अच्छे से चल रहे हैं, जबकि वो कमियां उसमें बस तेरे सैंपल में सिलेक्ट नहीं हुआ है। उसे लग रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ही नहीं, जबकि भाई साहब बहुत सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, गड़बड़ी गड़बड़ है, बस तूने जो बिल सुना उसमें आई नहीं। आई वॉन्ट टू मेक दिस वेरी क्लियर कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के केस में जब गड़बड़ निकलती है, यानी जैसे कैमरा है नहीं चल रहे, या पासवर्ड है बांटे ही नहीं दिए ही नहीं, या अप्रूवल है कोई करता ही नहीं है, या वॉचमैन है जो बैठा ही नहीं है, तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल जैसे काम करने चाहिए, अगर वो ढंग से काम नहीं करते तो उसको हम लोग कहते हैं डेविएशन। और वही उसकी जगह अगर ये टेस्ट ऑफ डिटेल होता और डिटेल्स में कोई गड़बड़ है, 5,000 को 10,000 लिख दिया, 5,000 को 6,000 लिख दिया, या फिर गलत अकाउंट की जगह पोस्ट कर दिया, ऐसा कुछ फिजिकल गलती आपने किया है, तो उसको हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट बोलने में गलती हुआ है ना, तो वो मिस स्टेटमेंट होगा। पर अगर कंट्रोल है जो ढंग से चलता ही नहीं है, तो वो डेविएट हुआ होगा। तो दिस इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में डेविएशन एंड टेस्ट ऑफ सॉरी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के केस में डेविएशन एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स के केस में मिस स्टेटमेंट। तो हुआ क्या है कि कंट्रोल्स एक्चुअली में कैसे हैं, बहुत ही भद्दे, पर ऑडिटर को क्या लग रहा है, वाह क्या चलते हैं, क्योंकि 4 ही चलते थे वही 4 सैंपल में आ गए, बाकी 99 जो नहीं चल रहे वो तो सिलेक्ट ही नहीं हुए। टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में क्या हुआ, एक भी गड़बड़ नहीं है ऐसा ऑडिटर को लग रहा है, एक्चुअली बहुत सारी गड़बड़ हुई है जो रह गई पीछे। ये सबसे खतरनाक टाइप का सैंपलिंग रिस्क है, क्योंकि ऐसे में तो ऑडिटर पहला सैंपल लेगा, खुश हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ ही नहीं है और गंदी रिपोर्ट दे देगा, मतलब वो एक क्लीन रिपोर्ट दे देगा। इसमें तो ऑडिट इफेक्टिवनेस खत्म हो गई, क्योंकि वो एक क्लीन रिपोर्ट दे देगा जहां पे कि उसको देना चाहिए था एक डिस्क्लेमर, नहीं तो क्योंकि उसको सबूत नहीं मिला है इसलिए उसे क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट देनी चाहिए थी। बहुत ही गंदी क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट की जगह वो एक क्लीन रिपोर्ट दे रहा है। ये टाइप के सैम्पलिंग ट्रिक्स से बच के रहना रे बाबा, क्योंकि इससे बचना ज्यादा जरूरी है। ये टाइप का जो रिक्स है इसका इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया ये रिस्क के केस में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में अगर आप देखोगे तो कंट्रोल्स कम इफेक्टिव, ऐसा ऑडिटर को लगता है, एक्चुअली में तो कंट्रोल्स मस्त चल रहे। तो क्या होगा ना, एक ऑडिटर भी ऐसी प्रजाति है जो क्या करता है, अगर बहुत गड़बड़ उसको लग गई पहली बार सैंपल देखकर, तो बोलेगा नहीं यार इतनी गड़बड़ नहीं हो सकती, एक काम करते हैं 10 बिल और चेक करते हैं। तो वो किसी को नेगेटिव रिपोर्ट देने से पहले एक बार और सैंपल साइज बढ़ा के एक्चुअली चेकिंग करेगा। टेस्ट ऑफ डिटेल में भी यही होगा, अगर उसे लग रहा है बहुत गड़बड़ है, बापरे उसका रिस्क बढ़ जाता है, तो वो सैंपल साइज वापस बढ़ा देता है। इसमें बस उसका समय ज्यादा जाएगा, एफिशिएंसी बर्बाद होगी, एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, पर एंड में वो एटलीस्ट सही सोल्यूशन पे पहुंचेगा। पर ये दोनों ही आपके हो जाते हैं सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क, नॉन सैंपलिंग रिस्क यानी ओवरऑल रिस्क देखने के बाद में अब हम चलते हैं कि सैंपल की डिजाइन साइज और सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए। डिजाइन साइज सिलेक्शन 3 मेन क्राइटेरिया। उसके पहले 2 क्लियर बातें बोल दूं, तुम्हारा सैंपल कैसा भी हो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मतलब ऐसा मान लेते हैं कि एक पॉपुलेशन है जिसमें 100 गर्ल्स हैं और 70 बॉयज हैं। अगर मुझे इसका एक कंबाइंड सैंपल लेना है जिसमें मुझे 17 यानी 10% देना है, इसका 170 लोगों का 10% 17,
इफ आई वांट टू टेक 17 सैंपल आउट ऑफ इट, तो मेरा सैंपल एक्चुअली मेरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो भैया इन 100 लड़कियों में से 10 गर्ल्स यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, 10 गर्ल्स, और ये बॉयज में से 7 बॉयज यहाँ पे मौजूद होने चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरा जो सैंपल है वो एज इट इज मेरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसा आप बिल्स के मायने में भी कर सकते थे, क्योंकि हम लोग अकाउंट्स और ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसा देखेंगे कि 1.5 करोड़ के ऊपर के बिल्स बहुत सारे, 50% से ज़्यादा 1.5 करोड़ के, तो मैं 1.5 करोड़ वाले बिल्स ज़्यादा सेलेक्ट करूंगी मेरे सैंपल में भी, और उससे कम वाले कम सेलेक्ट करूंगी। इस तरीके से मैं क्राइटेरिया बना करके वर्क कर सकती हूँ। मतलब कुल मिला के मेरा सैंपल भी मेरे पॉपुलेशन जैसा ही दिखना चाहिए। और प्लीज ऐसा इक्का दुक्का आइटम मत ले लेना कि 2 आइटम लिए हो गई ऑडिट खत्म, क्योंकि हमें फटाफट करना था और सैम्पलिंग अलाउ किया है आईसीआई ने। देखिए ऐसे 530 में भले ही सैम्पलिंग अलाउड हो, लेकिन कम से कम इतना बड़ा आप सैंपल ले जो मीनिंगफुल रिजल्ट दे सके, लार्ज इनफ। सैंपल को सबसे पहले डिजाइन करते हैं, डिजाइन करते वक्त ऑडिट प्रोसीजर्स की पर्पस और पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ध्यान में रखते हुए 2 टाइप की डिजाइनिंग कर सकते हैं। एक को कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, एक को कहते हैं वैल्यूएटेड। पहले मैं आपको स्ट्रेटिफिकेशन सिखा देती हूँ। हमें सारी पूरी की पूरी बिल्स को लेकर के, कोई भी टॉपिक को, कोई भी कंट्रोल्स हो गए, कुछ भी हो गया, पूरी पॉपुलेशन लेनी है और उस पॉपुलेशन को अलग अलग सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर देना है, स्ट्राटाज में डिवाइड करना है। जब आप उसको स्ट्राटा में डिवाइड करोगे, एक जैसी चीजों को एक पूरे स्ट्राटा में डाल देना। इससे फायदा ये होगा कि आपका सैंपल साइज कम हो जाएगा और आप लार्ज वैल्यू आइटम्स पे फोकस कर पाओगे। इससे आप क्या करेंगे, मैं एक स्ट्रेटिफिकेशन का आपको एग्जांपल बता देती हूँ। यहाँ पर ये स्ट्रेटिफिकेशन का एग्जांपल, जैसे मेरे पास में बहुत सारे बिल्स हैं, तो मैंने क्या किया, उन बिल्स को अलग अलग क्राइटेरिया सब स्ट्राटा स्ट्राटम में डिवाइड कर दिया, और जितने भी बिल्स थे उनमें से अब मेरी मर्जी है कि मुझे कौन सा बिल कितना पिक करना है। नाउ व्हाट विल हैपन इज, जो 10 लाख के ऊपर के बिल्स है, बड़े बिल्स हैं, इन पे मैं ज्यादा फोकस कर पाऊंगी और छोटे बिल्स को मैं जाने दूंगी। इसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं, ये रैंडम का पार्ट भी होता है और स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर में भी सेम ही चीज आती है, इसलिए हम बार बार नहीं कर रहे इसको। एक बात याद रखिएगा कि सपोज मुझे इस एग्जाम्पल में ही बता देती हूँ, सपोज मुझे यहाँ पे 10% गड़बड़ मिली, तो वो 10% गड़बड़ मैं इन सब पे अप्लाई नहीं करूंगी। वो 10% गड़बड़ जो मुझे इन आइटम्स में मिली, वो सिर्फ इसी टाइप के आइटम पर एप्लीकेबल होगी। जैसे समझते हैं कि 2,25,000 से 5.5 लाख तक के मैंने 10% ही बिल्स चेक किए, इस 10% बिल में मुझे 5,000 रुपये की गड़बड़ मिली, तो वो तो तब मिली ना जब 10% आइटम चेक किए, ऐसे तो पूरे 100% बिल होंगे। तो इसके बाकी के बिल्स में भी ऐसी 5,000 की मिस्टेक हो रही होगी, ऐसा मान के मैं 5,000 की मिस्टेक को मल्टीप्लाई करके प्रोजेक्ट करके बड़ा करती हूँ। तो वो 5,000 की गड़बड़ सिर्फ इसी ग्रुप पे मैं प्रोजेक्ट करूंगी, बाकी सब में, सब ग्रुप्स में ये गड़बड़ होगी ऐसा मैं इमेजिन नहीं करूंगी। ओके, अब बात करते हैं वैल्यूएटेड टेक्निक की। वैल्यूएटेड टेक्निक क्या होता है, इसके अंदर में ना हम लोग कोशिश करते हैं हर एक रुपए को एक इंडिविजुअल यूनिट समझ के सैम्पलिंग यूनिट बना दे, इंडिविजुअल मॉनिटरी यूनिट, जिससे क्या होगा कि जो वैल्यू बड़ी होगी ना उसको ज्यादा नंबर्स मिलेंगे और उसके सिलेक्ट होने का चांस ज्यादा होगा। जैसे 10,000 रुपीज को 10,000 नंबर्स मिलेंगे और 1,000 रुपीज को 1,000 ही नंबर मिलेंगे, तो 10,000 नंबर्स के सिलेक्ट होने के चांस 1,000 नंबर्स से ऑब्वियसली ज्यादा होंगे। इसको वर्क कैसे करना होगा, आप एक काम करिए, सारे बिल्स को लाइन से लिख दें, उन बिल के अंदर जो वैल्यूज है उनको लाइन से लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो बिल्स बड़े हैं, मैं एक बार पहले उनको बस मार्क करके रखती हूँ कि यार बड़े बिल हैं, काश ये सिलेक्ट हो जाए। जैसे मैं चाहती हूँ ये 5,500 वाला बिल तो पक्का सिलेक्ट हो जाए, पर अगर मैंने खुद होके इसको चुन लिया तो ये तो बायसनेस हो जाएगी। आई वुड ऑल्सो वॉन्ट कि 4,500 वाला बिल हो, फिर मैं 2,000 वाले बिल भी पकड़ना चाहूंगी, और फिर छोटे मोटे कोई 1,200 कोई 1,500 ऐसे बिल भी आ जाए हाथ में तो बढ़िया बात है, 1,000 तक वाला बिल भी आ जाए तो अच्छी बात है। तो मतलब मैंने सोच लिया कि कुछ ये वाले बिल्स पकड़ में आए तो ज्यादा मजा आए,
पर अगर मैं डायरेक्टली इन पे हाथ मार दूंगी तो वो तो फिर बायसनेस हो जाएगी, तो मैं उस केस में वैल्यूएटेड टेक्निक यूज कर सकती हूँ। कैसे? मैं चाहती हूँ 1000 को सिलेक्ट होने के लिए 1000 मौके मिले, 2000 को सिलेक्ट होने के लिए 2000 मौके मिले, 300 को सिलेक्ट होने के लिए सिर्फ 300 मौके ही मिले। इस तरीके से मैं अगर मौके देना चाहती हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, जो कैसे होती है, हम इनको आपस में ऐड करते रहते हैं और यहाँ पे वो वैल्यू डलती रहती है। अब क्या होगा, रैंडमली आप नंबर सिलेक्ट करोगे, रैंडमली कंप्यूटर से एक नंबर आया 600, रैंडम नंबर, मैं देखूंगी कि ये 600 कहाँ फॉल करता है इस पूरी लिस्ट में से। 600 यहाँ फॉल कर रहा था तो मैंने इस बिल नंबर को सिलेक्ट कर लिया, बधाई हो 1000 आपका पहला नंबर बन गया है। फिर क्या हुआ कि मुझे ये पता करना था कि टोटल मैं कितने बिल्स ले सकती हूँ। सो मैंने डिसाइड किया कि मुझे टोटल 4 बिल ही चेक करने हैं। सैम्पलिंग साइज तो मेरी मर्जी है ना, आई एम दी ऑडिटर, आई डिसाइड। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे 4 बिल्स चाहिए। 4 बिल की वजह से क्या हुआ कि जो टोटल नंबर आया ना लास्ट, उसको जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो मुझे एक इंटरवेल मिल गई 4713। अब हर बार 4713 प्लस करने पे मैं एक नए नंबर पे पहुंचूंगी। तो मैंने सैंपल 2, सैंपल 3 और सैंपल 4 के लिए भी फिगर्स निकाल लिए ऐड कर करके इंटरवेल। ये फिगर्स जहां पर भी गिरे मेरे, 5313 यहाँ गिरा, 10,000 इधर नहीं था, इधर भी नहीं था, इधर गिरा, और फिर 14,000 इधर गिरा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे मोटे मोटे बिल्स के सिलेक्ट होने के चांस ज्यादा हुए हैं, क्योंकि देखिए ये 50 सिलेक्ट होने के सिर्फ 50 चांस थे, 100 सिलेक्ट होने की भी बहुत कम प्रोबेबिलिटी थी, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी ही सिलेक्ट होने की बढ़ गई ना, क्योंकि इनके पास बड़े नंबर्स थे। इस तरीके से वैल्यू वेटेड सिलेक्शन होता है। हालांकि आपकी बुक इस तरीके का कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ना देती है ना उस पर चर्चा करती है, तो अगर आपको प्रैक्टिकली ये डिफिकल्ट लगा भी तो मैं क्लियर कर दूं कि आपको आपके सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ इसकी थ्योरी पूछते हैं एंड दे डोंट आस्क प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सेम। ये आपका वैल्यू वेटेड एग्जाम्पल फिनिश होता है। अब बात करते हैं साइज की। सैंपल का साइज कैसा होना चाहिए, सफिशियंट इनफ कि जो मेरा सैंपलिंग रिस्क है वो कम हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैं देखकर आई कि शिट यार, अगर मैंने मेरी पूरी पॉपुलेशन पे ये सारे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए होते तो मैं गलत पैसों पर नहीं पहुंच। पर अगर मेरा सैंपलिंग साइज इनफ है कि वो मेरे रिस्क को कम कर सकता है एक्सेप्टेबली लो लेवल तक, तो चलेगा मुझे। सैंपलिंग साइज कब बड़ी होनी चाहिए, कब छोटी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट भी, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप इसको रटने की जिम्मेदारी करेंगे। सबसे पहले तो मैं कंट्रोल्स को अलग कर दूं और डिटेल्स को अलग कर दूं, क्योंकि आपको भी पता है कि कंट्रोल के केस में गड़बड़ ढूंढने के लिए हम शब्द यूज करते हैं डे वी डेविएशन डिविएशन, और डिटेल के केस में हम शब्द यूज करते हैं मिस स्टेटमेंट। डेविएशन और मिस स्टेटमेंट, तो भैया जितनी ज्यादा उम्मीद होगी कि गड़बड़ मिलेगी उतनी ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। आइए सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में समझते हैं। जितना ज्यादा रिस्क में इंपॉर्टेंस इंटरनल कंट्रोल को दूंगी उतना ज्यादा कंट्रोल को चेक करना पड़ेगा, तो सैंपल साइज बढ़ जाएगी। मतलब मैं ज्यादा भरोसा करने की कोशिश कर रही हूँ कंट्रोल पे, तो चेक तो कर पहले भरोसा करने से। अब आता है एक शब्द टॉलरेबल, एक शब्द आता है एक्सपेक्टेड और एक शब्द आता है डिजायर। तीनों की बात में आराम से कर, क्योंकि इनके मीनिंग भी मैंने पीडीएफ में जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पे कोने में लिख दिए हैं, व्हाट इज टॉलरेबल, व्हाट इज एक्चुअल, व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड ऑल दैट। तो मैं ये वापस से आपसे डिस्कस तो करूंगी, बट एक बार मैं शॉर्ट में बता दूं, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन मतलब इतनी गड़बड़ तो चले यार कोई दिक्कत नहीं है। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन मतलब उतनी गड़बड़ जो ऑडिटर को लगता है कि अगर इतनी गड़बड़ आ भी गई तो भी मैं मान लूंगी कि नहीं यार कंट्रोल तो चलते हैं। मतलब कभी कभी आ गई गड़बड़ जितनी हमें सहन हो जाए, अगर वो टॉलरेबल की लिमिट मेरी बढ़ गई, मुझे लग रहा है गड़बड़ हो रही है, होने दो मुझे टेंशन नहीं है, तो मेरा सैंपल साइज छोटा हो जाएगा ना, बिकॉज आई विल बी चिलैक्स, मैं बहुत चिल हो जाऊंगी। बट अगर मुझे गड़बड़ की उम्मीद ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, तो मुझे ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी, तो मेरा सैंपल साइज बढ़ जाएगा। नाउ आई वॉन्ट टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि जितनी गड़बड़ मैं सहन कर सकूं और जितनी गड़बड़ एक्चुअल में है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो आप खुद सोचिए, कोई भी आदमी कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी एक्चुअल में गड़बड़ जितनी वो टॉलरेट कर सकता है उससे ज्यादा हो जाए, कोई भी आदमी नहीं चाहेगा। तो जितना श्योर आप होना चाहोगे उतना ज्यादा आपको चेकिंग करना पड़ेगा, तभी तो गड़बड़ एक्सीड नहीं होगी, तो सैंपल साइज आपका बढ़ जाएगा।
एक क्लियर बात बता दूं, अगर आपका टॉलरेबल ज्यादा है और एक्चुअल में उतनी गड़बड़ नहीं है, कंट्रोल्स बढ़िया हैं, उन पे भरोसा करो। पर अगर गलती से एक्चुअल में ज्यादा गड़बड़ निकल गई, जितना आप मेहनत कर सकते थे या टॉलरेट कर सकते थे उससे भी, तो आप कहेंगे जाने दो भैया, हमको कंट्रोल टेस्ट नहीं करना, हम तो डिटेल की तरफ जाते हैं, हमें तो सब्सटेंटिव करने दो। इसमें बहुत सारे पॉइंट एग्जैक्टली सेम आएंगे, जैसे आरएमएम असेसमेंट में अगर आप इसको ज्यादा कंसिडर करते तो सैम्पल साइज बड़ा हो जाएगा, टॉलरेबल बढ़ गया आप चिल हो गए तो सैम्पल साइज कम हो जाएगा, एक्सपेक्टेड ज्यादा है तो ज्यादा चेकिंग करो, उसके अगला वाला पॉइंट भी, डिजायर्ड लेवल ज्यादा है तो सेम पिंच। बस ये मैंने रिपीट क्यों किया, जब ये भी तो सेम पिंच है, क्योंकि वर्ड चेंज हो गया, यहाँ पे डेविएशन डेविएशन कर रहे थे, यहाँ पे मिसस्टेटमेंट कर रहे थे, बाकी पॉइंट सारे सेम है, दो पॉइंट अलग है इधर। अगर मैंने कोई दूसरा ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज कर लिया, तो दूसरे से भी तो मुझे सबूत मिला, तो इससे सबूत कम मिलेगा तो चलेगा ना, तो इसका सैंपल साइज मैं कम कर दूंगी। जैसे सपोज मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज कर लिए, तो चलेगा ना, एनालिटिकल से भी तो सबूत मिल रहा है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले स्ट्रैटिफिकेशन समझा था, जब उसमें बहुत सारे आप ऐसे क्लासेस बांट दोगे, और जब आपने क्लासेस बांट दिया तो आपको सैंपल साइज छोटा कर लेने से भी काम चलेगा, क्योंकि जो सबसे छोटे आइटम्स होंगे उनका तो साइज आप एकदम ही कम कर दोगे, सबको चेक करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सो ये हो गया आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज। एक्सक्यूज मी, फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द एक्सटेंट, कि भाई मेरा सैंपल साइज कितना बड़ा होना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हमें अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी होगी तो ज्यादा बड़ा सैंपल साइज देना पड़ेगा। इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा करूं कि नहीं करूं, क्योंकि उससे डिपेंड करता है कि मेरा कंट्रोल का सैंपल साइज क्या होगा और फिर मेरी डिटेल का सैंपल साइज क्या होगा। बुक्स कितनी क्या मेंटेन करिए, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं आप और कितना कॉन्फिडेंट आप होना चाहते हैं, ऐसे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिए, और उसके बेसिस पे हमने ऑलरेडी फैक्टर्स के बेसिस पर सैंपल साइज डिसाइड कर लिया। पर कभी कभी एग्जाम में सिर्फ ये लोग फैक्टर्स पूछते हैं, तो ये वाला पार्ट अपन को लिख के आंसर देना पड़ता है। ओके, सिलेक्शन सच अ वे दैट सैम्पलिंग यूनिट हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन, प्लीज सिलेक्ट ऐसे करें जैसे हर सैम्पलिंग यूनिट का एक रीजनेबल चांस हो कि वो भी सिलेक्ट हो सके। सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए, इफ नॉट इक्वल एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चांस हर एक को मिलना चाहिए कि वो भी सिलेक्ट हो सके। तो देखिए आपके अलग अलग टाइप्स बताने वाली हूँ मैं अभी सिलेक्शन के, रैंडम सिलेक्शन, इंटरवल, मॉनिटरी, एपिजार्ड एंड ब्लॉक, ये टाइप्स के आपके सिलेक्शन की टेक्निक्स होती है। पहला है रैंडम सिलेक्शन, इसका जैसा नाम है वही इसका मतलब है, प्योरली रैंडम। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब हर एक आइटम का सिलेक्ट होने का इक्वल चांस है। तो जैसे 20 आइटम है और आपको सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करना, जैसे चिट में डाल देना सबके नाम और ऐसे सिलेक्ट कर लेना, या फिर रैंडम नंबर टेबल्स है जो ऑटोमेटिकली किसी का भी नंबर रैंडमली दे देंगे। आप हाउस ही खेलते हो तो कैसे कोई भी नंबर रैंडमली निकल के आता है, तो दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें कोई बायसनेस नहीं है क्योंकि कोई देखकर नंबर नहीं निकाल रहा है। सेकेंडली, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है, जब सेम आइटम्स हो पूरी पॉपुलेशन में तो आप इसको लगा सकते हो। स्ट्रेटिफाइड इससे डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि ये सैम्पल साइज को कम करने में हमारी हेल्प करेगी, पूरी पॉपुलेशन को स्ट्रेटा या ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे और हर ग्रुप्स में से प्रोपोर्शनेट आइटम्स लेंगे, जिसमें आई एज एन ऑडिटर विल बी एबल टू डिसाइड कि मुझे कितने ग्रुप्स बनाने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, 10 लाख के ऊपर के सारे बिल चेक करूंगी मैं, लेकिन अगर वही 10 लाख से नीचे हुए तो 50% शायद इस ग्रुप के, अच्छा इस ग्रुप के मैं शायद 25% ही चेक करूं, और ये तो बहुत छोटा ग्रुप है, इसके 2% ही चेक करने से काम हो जाएगा। और जितनी जितनी गड़बड़ जिस जिस ग्रुप में मिली ना, उसको उसी ग्रुप के बाकी की पॉपुलेशन पर मैं बड़ा करके प्रोजेक्ट करूंगी, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगी आपको। इंटरवल सैम्पलिंग क्या होगा कि जितने भी यूनिट्स मुझे चाहिए सैंपल साइज से मैं उसको डिवाइड कर लूंगी, सैम्पलिंग इंटरवल मुझे मिल जाएगा, ओवरऑल टोटल अमाउंट से मैं नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स जो मुझे चाहिए उससे मैं मेरा सैम्पलिंग इंटरवल निकालूंगी। एक स्टार्टिंग पॉइंट रैंडम पे मैं सिलेक्ट कर लूंगी, जैसे अभी ऊपर मैंने किया था। अब इसके बाद एवरी एंथ आइटम मैं सिलेक्ट करूंगी, जैसे समझ लेते हैं कि मुझे 50 बिल्स चेक करने हैं और फर्स्ट रैंडम नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिया है 65, तो 65th नंबर वाला जो आइटम है वो तो मैं ले ही लूंगी। और फिर मैंने क्या किया, टोटल यूनिट्स कितने हैं, प्रॉबेबली 1000, और उसमें से मुझे 50 बिल ही चाहिए, तो मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया, तो मुझे 20th आइटम मिल गया। सो एवरी 20th आइटम आफ्टर 65th आई विल सिलेक्ट, 65 प्लस 20, 85th आइटम।
फिर उसके बाद में फिर 20+ कर करके मैं एवरी 20th आइटम लेती रहूंगी, लेकिन इसमें पागलपन हो जाएगा एक, अगर किसी ने पूरी आइटम्स को एक स्ट्रक्चर में लगाया है तो हर 20th आइटम सेम ही होगा, तो ये पोपट हो जाएगी आपकी, तब कभी नहीं यूज करने का अगर आपको लगता है कि आपके पॉपुलेशन में पैटर्न है तो। इसके साथ इंटरवल सैम्पलिंग हो गया हमारा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉनिटरी यूनिट। ये सेम है, ऊपर आपने जो वैल्यू वेटेड पढ़ा मेरे साथ एग्जैक्टली सेम है, बस ये हमेशा रुपए में होता है। हैप्पी चार्ट सैम्पलिंग में आपने कोई टेक्निक यूज नहीं करी है, बस कोशिश करिएगा कि बायस ना बने। ये स्टैटिस्टिकल के नाम पर तो धब्बा है, ऐसे स्टैटिस्टिकल के साथ नहीं यूज करते। ब्लॉक में क्या होता है ना कि हम लोग लगातार चिपके पड़े आइटम्स को उठा लेते हैं, फर्स्ट के साथ सेकेंड, फिफ्थ के साथ सिक्स्थ, थर्ड के साथ फोर्थ, इस तरीके से कंटिग्यूअस आइटम्स को। अगेन अगर आपके पॉपुलेशन में एक जगह पूरे एक जैसे आइटम्स मिलेंगे तो प्लीज इसे ना यूज करें। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि पूरे पॉपुलेशन के बारे में ही मुझे जवाब देना है तो क्यों एक इलाका चेक कर रहे हो, जस्ट बिकॉज इट इज सिंपल एंड बहुत सस्ता। बट इसमें रिस्क ऑफ बायस भी तो होता है, तो अगर मैं बहुत आलसी हूं तो मैं एक जगह के ही सारे बिल उठा लूंगी, या एक ही महीने के सारे बिल चेक कर लूंगी, या एक ही ब्रांच के सारे ट्रांजैक्शंस चेक कर लूंगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इससे मैं बहुत अच्छे फैसलों पर पहुंच पाई। तो उन चीजों का ध्यान में रखते हुए हम अपने सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। आ जाते हैं आखिरी पार्ट ऑफ द चैप्टर में कि चलो मैंने चुन लिया सैंपल को, डिजाइन सिलेक्शन एवरीथिंग। अब इन सिलेक्टेड आइटम्स पर मैं ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगी। पर मैंने एक डेटर चुना था और मेरा ऑडिट प्रोसीजर था कि मैं सभी डेटर्स को कॉल करके एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने वाली हूँ। इस पर्टिकुलर डेटर ने बार बार मेरा फोन ही नहीं उठाया, या फिर मैं बिल्स चेक करने वाली थी पर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड बिल गायब ही हो गया, मिला ही नहीं। तो कहना ही सही कि ऑडिट प्रोसीजर नहीं अप्लाई हुआ उस पर्टिकुलर आइटम जो मैंने सिलेक्ट किया था उस पर। वो तो 99% टाइम नहीं होगा ना, अगर कोई गड़बड़ है तो हम उसे जाने नहीं दे सकते। हाँ, उसकी जगह मैं एक रिप्लेसमेंट आइटम जरूर सिलेक्ट करूंगी जिस पर मैं वो ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगी, पर ये जो आइटम था ना इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल था तो डेविएशन मानूंगी, और अगर ये टेस्ट ऑफ डिटेल था तो मैं स्टेटमेंट मानकर फिर इसे मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ, अगर मुझे पता चल गया कि ये गड़बड़ नहीं है तो मैं इसे जाने दूंगी, और अगर मुझे लगा ये गड़बड़ है तो मैं इसे नहीं जाने दूंगी, ऐसा ध्यान में रखूंगी मैं। कभी कभी क्या होता है, कोई गड़बड़ जब आपको दिख जाती है कंट्रोल में या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स में, तो उनमें कॉमन फीचर्स ढूंढने की कोशिश करिए। ये कॉमन फीचर्स से क्या होगा, शायद कभी कभी आपको सारे आइटम्स पर वो ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा 999 के बहुत सारे बिल्स हैं और इनमें कुछ फ्रॉड जैसा आपको दिखने की कोशिश हो रही है, तो आपने दो बिल चेक किए, तीन बिल चेक किए, तीनों में रूल्स फॉलो नहीं हो रहे थे, तो आपने 999 के जितने भी बिल्स थे सारे मंगवाए और सब में देखा कि साइन की गड़बड़ है। कोई ना कोई कंट्रोल या कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट अगर आपको ऐसे कॉमन से दिखे तो पता लगाइए क्या ये जानबूझकर था, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं, इसके नेचर और इसके कॉजेस पता लगाइए। बहुत कम केसेस में ऐसा होगा कि आपको लगेगा एक गड़बड़ एक ही बार हुई है। एक गड़बड़ एक ही बार हुई है मतलब उसे हम कहेंगे यहाँ पर टर्म अनोमली। व्हाट इज एन अनोमली? अनोमली इज अ सिचुएशन जब एक गड़बड़ एक ही बार होती है और वो उस ग्रुप में प्रोजेक्ट नहीं होगी। अनोमली इज अ सिचुएशन व्हेन वन मिस्टेक इज कंडक्टेड ओनली वंस और वो बार बार रिपीट नहीं होता। सो हाई डिग्री ऑफ श्योरिटी और सर्टेनिटी के बाद ही आप ये फैसला लीजिएगा कि ये अनोमली है कि ये अनोमली नहीं है। अब बात करते हैं प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर मैं आ गई हूँ। चैप्टर की शुरुआत में ही मैंने आपको ये बात बता दी थी कि अगर हम लोग 10 बिल चेक करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हमने तो वो 10 बिल पर अपना कंक्लूजन बताया और अपनी बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी झड़काई और हम तो निकल लिए। ऐसा नहीं होता। गड़बड़ हमें भले ही मिली होगी सैंपल में पर ओपिनियन तो हमें देना है पॉपुलेशन पर। तो हम क्या करेंगे ना, कभी भी किसी भी गड़बड़ को जो हमें सैंपल में मिली है उसको पूरे पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करके बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, मैंने 1500 की गड़बड़ ढूंढी थी जब मैंने 15,000 के आइटम चेक किए थे, तो मुझे एक रेट मिल गई गड़बड़ की 10%। तो अगर सपोज पूरी पॉपुलेशन 2 लाख की होती तो मेरी गड़बड़ 10% यानी 20,000 निकल के आती। तो मैंने 1500 की गड़बड़ ढूंढी
पर मैंने उसे मल्टीप्लाई करके रिपोर्ट में क्या लिखा कि पूरी पॉपुलेशन में 20,000 की गड़बड़ है, क्योंकि मेरा सैंपल भले ही 15,000 का था पर मेरी पॉपुलेशन तो पूरी 2 लाख की है। तो छोटी सी गड़बड़ को जब हम बड़े पर्दे पर प्रोजेक्ट करते हैं तो इसे प्रोजेक्टिंग में स्टेटमेंट कहते हैं। प्रोजेक्ट करते वक्त हम ये सोच रहे हैं कि ये 1500 की गड़बड़ बार 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 लगातार हुई थी, पर कभी कभी कोई गड़बड़ ऐसी होती है जिसे हम अनोमली कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार हुई है, हम इसे रिपीट करेंगे ही नहीं। इसीलिए प्रोजेक्ट करते टाइम एक बार इसे माइनस कर दो, नॉन अनोमलस निकाल दो, फिर उसके बाद में लास्ट में एक बार ऐड कर दो, क्योंकि एक बार तो हुई है ना ये गड़बड़, बार बार नहीं हुई है तो क्या हुआ। तो एक बार अगर ये गड़बड़ हुई है तो इसे प्रोजेक्ट करते वक्त माइनस कर दीजिए और लास्ट में एक बार ऐड कर दीजिए। ये सब सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में होता है, क्योंकि प्रोजेक्शन जैसा कॉन्सेप्ट कंट्रोल्स पर लगता ही नहीं है। मैं रुपए के मामले में ये 1500 15,000 ये सब कर सकती थी क्योंकि ये रुपए थे, पर कंट्रोल्स के मायने में मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ ना। आई कांट काउंट कि कितने रुपए की परमिशन लेकर गए हैं कि नहीं कोई, आई कांट काउंट कि वॉचमैन दिन में कितने घंटे सोया है या कैमरास कैसे कितने चल रहे हैं। उस केस में गड़बड़ की एक रेट निकलती है और वो रेट यानी परसेंटेज ही है वो ऑलरेडी, तो वो परसेंटेज में जितना भी कंट्रोल चेक करूं जितना भी नहीं करूं वो परसेंटेज तो सेम रहेगा ना। तो सैंपल डेविएशन रेट इज सेम एज डेविएशन रेट फॉर एंटायर पॉपुलेशन। इसीलिए बेटा यहाँ पे प्रोजेक्शन करने की टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में नीड ही नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं कि फाइनली हम लोग रिजल्ट इवेल्युएट करने पे आ गए कि सब कुछ हमें ठीक लगा कि नहीं लगा ऑडिट में, सैम्पलिंग यूज करूं कि भी नहीं करूं। तो देखो सबसे पहले सैम्पलिंग के रिजल्ट इवेल्युएट करने बैठो, फिर ये देखो कि क्या सैम्पलिंग ने रीजनेबल बेसिस दिया है कि नहीं दिया है। अगर सैम्पलिंग ने रीजनेबल बेसिस नहीं दिया होगा तो हम लास्ट में आके यहाँ पे एक्शन लेंगे। मोस्टली तो यही मानो कि सैंपल ही सही तरीका होगा। सैंपल से मैं पूरी पॉपुलेशन के सही डिसीजन पर पहुंच पाई कि नहीं पहुंच पाई ये जानने के लिए कुछ टर्म्स को पहले समझते हैं। टॉलरेबल मतलब वो गड़बड़ जितना ऑडिटर एकदम शुरुआत में अपनी टीम के साथ बैठकर डिसाइड कर लेता है कि इतनी गड़बड़ आई तो जाने देते हैं, ये तो चिंदी गड़बड़ है, मतलब कंट्रोल्स अभी भी ढंग से चल रहे हैं। कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, जिस लेवल के बाद मैं बोलूंगी वहां तक मेरी टॉलरेबल लेवल की गड़बड़ है। जैसे 2000 3000 तक की गड़बड़ होगी तो भी मैं मानूंगी कि कंट्रोल ढंग से चल रहे हैं, तो दैट इज माय टॉलरेबल लिमिट। एक्चुअल लिमिट क्या होती है, जो ऑडिट टीम जब फाइनली टेस्ट करने जाती है कंट्रोल्स को तो उसको जो गड़बड़ मिलती है दैट इज एक्चुअल। अब क्योंकि हम लोग सारा कुछ तो नहीं चेक कर पाते इसलिए हम लोग यूजुअली टेस्ट ऑफ डिटेल्स के केस में तो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं। प्रोजेक्ट अभी मैंने आपको दिखाया था कि ऑडिटर की खुद की एस्टिमेट होती है जितनी गड़बड़ उसको सैंपल में मिली उस हिसाब से पॉपुलेशन में कितनी गड़बड़ हो, तो एक बार तो वो प्रोजेक्ट कर देता है और लास्ट में फिर उसमें ऐड कर देता है। एक्सपेक्टेड गड़बड़ क्या होती है, एक्सपेक्टेड गड़बड़ हमने शुरुआत में देखा था कि जब ऑडिटर को सैंपल साइज डिसाइड करना होता है कि वो बड़ा चुने कि छोटा चुने, वो ये देखता है गड़बड़ कितनी होगी। अगर उसे लगता है कंट्रोल बहुत गड़बड़ है तो वो छोड़ ही देगा कंट्रोल, बट अगर उसे लगेगा कि डिटेल्स में बहुत गड़बड़ है तो वो उसकी सैंपल साइज तो बढ़ा देगा। तो ये टाइप्स ऑफ आपके टॉलरेबल एक्चुअल प्रोजेक्टेड एनोमलस एक्सपेक्टेड मैंने बताया। एक रूल और बता देती हूँ, ऑडिटर जिंदगी में कभी नहीं चाहेगा कि एक्चुअल की गड़बड़ जितनी वो टॉलरेट कर सकता है उससे ज्यादा हो जाए। एक्चुअल मस्ट नेवर एक्सीड द टॉलरेबल, दिस इज द मंत्र ऑफ ऑडिटर, बिकॉज अगर ये हो गया मतलब सैम्पलिंग ने ढंग का जो आपका सजेशन होता है या सल्यूशन होता है वो प्रोवाइड नहीं किया। तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि अगर अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा आपको सैंपल में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के गड़बड़ मिली तो रिस्क ज्यादा निकल के आएगा, अगर ज्यादा मिसस्टेटमेंट की गड़बड़ मिली तो ऑडिटर को लगेगा कि ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंस में बहुत गड़बड़ है, अनलेस वो और ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करके बोलेगा मैं फालतू में ही चिंता कर रहा था। अब देखिए किसी भी हालत में वो प्रोजेक्शन करेगा, टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में ही सिर्फ प्रोजेक्शन होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में तो प्रोजेक्शन होता ही नहीं है। तो जब वो प्रोजेक्ट करेगा उसके बाद वो हमेशा कंपेयर करेगा उसको टॉलरेबल से, गलती से भी प्रोजेक्टेड ज्यादा आ गया मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था सैंपल रीजनेबल नहीं होगा, सैंपल रीजनेबल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, नीचे तो मैं बताऊंगी पर अभी एक बार शॉर्ट में भी बता देती हूँ, और चेकिंग करो यार सैंपल ठीक नहीं था, और बड़ा सैंपल चुनो या और ज्यादा टेस्टिंग की तरफ जाओ।
जितना नजदीक एक्चुअल की गड़बड़े टॉलरेबल के आते जाएंगी, उतना चांसेस है कि एक्चुअल में गड़बड़े टॉलरेबल से ज्यादा है। क्योंकि मैं सच्ची बताऊं, हम तो सिर्फ प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं ना, हमको एक्चुअली में सारी गड़बड़ मिल थोड़ी गई है। कुछ तो ऐसी गड़बड़ भी होगी ना जो ऑडिटर के हाथ नहीं लगी होगी। तो जितना नजदीक आपका प्रोजेक्शन जाएगा एक्चुअल के, जितना नजदीक टॉलरेबल के वो जाएगा, उतना ऑडिटर को मन में बेचैनी होने लगेगी कि यार कुछ गड़बड़े तो होंगी जो मेरे हाथ से छूटी होंगी, और अब देखना पक्का एक्चुअल में गड़बड़े मेरी टॉलरेबल लिमिट से ज्यादा है, और वो टेंशन में आ जाएगा। अगर गलती से प्रोजेक्टेड एक्सपेक्टेड के भी ऊपर निकल गया, मतलब आपने जितनी गड़बड़ सोची थी, ओ माय गॉड, उससे ज्यादा गड़बड़ मिल गई, मतलब अब तो आपने सैंपल ढंग से चुना ही नहीं है। और रियल में ऐसा ही होगा कि एक्चुअल भी टॉलरेबल के ऊपर गया। अब एक्चुअल टॉलरेबल के ऊपर गया, तो मैंने आपको क्या कहा, सैम्पलिंग इज नॉट रीजनेबल बेसिस, आपको एडिशनल ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। अब आप अगर ये डिसाइड कर चुके हो कि सैंपल सही तरीका नहीं है, देर आर ओनली टू वेज यू कैन मूव अहेड। एक तो आप खुद मेहनत करो, दूसरा आप मैनेजमेंट से मेहनत करवाओ। मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो कि वो पता लगाए आखिर ये इतनी गड़बड़े या एक्स्ट्रा गड़बड़े जो हमें दिखी भी नहीं है, वो क्या कारण के वजह से हो रही है, और कौन सी किताबों को कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। और फिर आफ्टर आस्किंग मैनेजमेंट टू डू दिस, आप भी तो कुछ काम करो, आप भी तो अपना सैंपल साइज बढ़ाओ, आप भी तो दूसरे कंट्रोल्स चेक करो, मतलब नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को आपको भी चेंज करना पड़ेगा ज्यादा अश्योरेंस पाने के लिए। अनोमली क्या होता है, ये मैंने बता ही दिया था, कोई ऐसी गड़बड़ जो एक ही बार होती है, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसे प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। इसके साथ हमारा सैम्पलिंग चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। सी यू इन द नेक्स्ट रिविजन वीडियो रियली सून। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट लगता है, डू लेट अस नो बिलो इन द कॉमेंट बॉक्स, एंड इफ यू लाइक द रिविजन, गिव अ थम्स अप।